नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के भैंसी में पेट्रोल पंप पर गाड़ी साइड करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को मामूली बात को लेकर बारात से वापस लौट रहे बारातियों और ग्रामीणों में भीषण संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से दर्जन भर लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल खतौली कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली देहरादून रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला है, जहां पेट्रोल डालते समय कार खड़ी करने को लेकर कार सवार बारातियों और पेट्रोल कर्मियों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जिसके बाद पास के ही गांव भैंसी में भाग कर पहुंचे बारातियों का ग्रामीणों से भी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने सूचना पर गांव में पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस संघर्ष में बारातियों की कार और दो मोटरसाइकिलें भी ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। बहरहाल जहां पुलिस इस मामले में दोनों तरफ से मिली तहरीर के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि सुबह 20 से 25 लोग एक कार और दो बाइकों से गांव में घुसे और जो भी मिलता रहा उसे ही मारपीट कर घायल करते रहे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो ये अपनी कार और मोटरसाइकिल छोड़कर फायरिंग करते हुए भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने तकरीबन 10 से 12 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पीछे लाइन में झगड़ा होगा कहीं पे, पीछे लाइन में सीएनजी लेने के लिए आ रहे थे, मैं गाड़ी चेंज करा रहा था तो एक लड़के को चार पांच लड़के आके मारने लगे। हमने उन्हें रोकना चाहा, भैया क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप बाहर करो, हमसे बाहर लड़ो। तो वे सुना नहीं उन्हें किसी का भी, बस मारने लगे। हमारे स्टाफ आए उनको मारने लगे, हमारे बॉस का जो है उन्होंने छुड़ाना कहा तो उनका गिरफ्तार पकड़ा उन्होंने और बस आगे वो मारपीट करने लगे। हमारे सेलमैन के मारे और गए जिसने भी छुड़ाना चाहा, तो मैं 15-20 लड़के आए, डंडे ले रखे उनके हाथ में और मैं कट्टे वट्टे भी ले रहे थे जी, और पता नहीं क्या इरादे से आए वो, क्या इरादा था उन्होंने। तो हमारे लोगों को कर रहे जी, हमारे 5-6 लड़के भर्ती हैं, कुछ लूट वोट भी करे, पैसे वैसे भी लूटा, पैसे वैसे भी लूटा, पैसे भी हाँ इधर सेलमैन से जो है कुछ लूट है जी। इधर से कितने के लूट है सर, वो मैं कह नहीं सकता। पेट्रोल पंप पे भी लूट हुई है, यहाँ भी लूट हुई है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे यहाँ जहाँ दर्शन मान के पूरे आए जो 20-25 लड़के थे सर, वो सबके हाथ में डंडे थे। पहचान में आया सर, हम जानते नहीं कौन कहाँ था, पुलिस नहीं आई, पुलिस में कम आई थी सर, पुलिस वाले गए उनको मैं 3-4 पकड़े गए जो भैंसी भैंसी में गाँव में वो झगड़ा करके गए, वही पता चला। देखिए भैंसी गाँव में नहीं, ये भैंसी गाँव के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ये कुछ लोग जो कल शादी में आए थे तो वापस जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके पेट्रोल और डीजल भराने के लिए गए थे, उसी में गाड़ी आगे पीछे खड़ी करने में इसमें कुछ विवाद हो गया और पेट्रोल पंप पे मारपीट हुई। उसके बाद ये लोग भागे हैं, तो भैंसी गांव गए हैं, तो भैंसी गांव में विवाद हुआ था, इसमें दोनों पक्ष के घायल हैं और उनका हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर दोनों पक्ष कौन कौन से? देखिए दोनों पक्ष, एक तो जो शादी में आए थे इसमें इश्तियाक है, इश्तियाक है उनके साथ के लोग हैं, और दूसरे कुछ पेट्रोल पंप पे लड़के थे जिनके संग मारपीट हुई, फिर भैंसी गांव में मारपीट हुई। सर पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा लूट का भी प्रयास हुआ है उनके साथ, ये वो बोल रहे हैं और बाकायदा उन्होंने तहरीर दी है, उसमें कोई लूट के प्रयास वाली बात नहीं, केवल गाड़ी आगे पीछे खड़े करने को लेके विवाद हुआ है ये चीज। सर कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें अभी तक जो मेडिकल हो चुका है वो करीब 8-9 लोगों को मेडिकल हो चुका है, बाकी और लोग भी 5-7 लोग। गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी तो तहरीर मुकदमा लिखा जा रहा है, फिर हम लोग अभी जांच करेंगे, अभी जस्ट हुआ है, उसी के बाद सारे तथ्य एवं सबूत इकट्ठा करने के बाद ही गिरफ्तारी की बात की है।